ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, आज मेरे स्वास्थ्य पर कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं, उस प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। मित्रों, मेरे जो मैंने पहले वीडियोस दिए हैं मेरे स्वास्थ्य संबंधित, तो लोगों के प्रश्न ये आए हैं कि आपको क्या हुआ है, आपको ऐसा कौन सी समस्या है, क्योंकि आप हमें इतना सब कुछ बताते हैं और आपको खुद रोग हो जाए तो कैसे होगा, और ऐसा क्या हुआ है जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इस विषय पर मैंने पहले भी बात की है, जब तब ये प्रभा चैनल नहीं था, स्वास्थ्य रक्षा पर हमने इस विषय में वीडियो दिए थे कि प्रश्न प्रभा के स्वास्थ्य पर, हमारी प्लेलिस्ट प्रभा में हमने वो वीडियो दिया था स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर। पर फिर से प्रश्न आया है कि तब समस्या कुछ और थी, अब समस्या कुछ और हो गई है। हाँ, उससे आगे की समस्या बढ़ के आई है, इसलिए समस्या कुछ और हो गई मैं ऐसा कहूँगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति में मेरी जो समस्या है वो मेरे शरीर में गर्मी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है। अर्थात मेरे शरीर में ऐसी गर्मी है कि मैं कहीं खड़ी हूँ, मैं बैठी हूँ, या मैं कहीं भी हूँ, मैं जहाँ बैठ जाती हूँ आधा घंटा पौना घंटा बैठ जाऊँ तो वो जगह मुझे काटने लग जाती है। यदि वो लकड़ी की नहीं है तो, यदि वो कांच है, क्योंकि इस पर मैं सो गई थी, टेबल है नीचे, ये देखिए कांच का टेबल है नीचे, इस पर मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे में सो पा रही हूँ आजकल, तो ये मुझे काटने लग गया था। और मैं कहीं भी जैसे प्लास्टिक की किसी चीज़ पर हो जाऊँ तो भी मुझे काटता है, रेगजीन है, कोई भी चीज़ मुझे काटती है, बस लकड़ी मुझे कम काटती है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर कुछ बिछा लेती हूँ तो मुझे कम काटता है। तो मैं इस तरह से आजकल मेरा जीवन चल रहा है। हाँ, मुझे हुआ क्या है मैं आपको विस्तार से बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया है, जिसमें एलोपैथ भी हैं, आयुर्वेद भी हैं और होम्योपैथ भी हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने जो एलोपैथ को दिखाया था, उसने ये कहा था कि आपकी चमड़ी में 7 लेयर होती हैं, और बोले एक एक लेयर करके आपकी क्लियर होगी तब आपका ये रोग शांत होगा। मुझे होता क्या हुआ क्या था, मैंने पहले ही जैसा कि बताया था, मेरे हाथ में फोड़ियाँ हो गई थी, गर्मी निकली थी, उसके बाद दोबारा मेरे हाथ मेरे सूज गए थे और फोड़ियाँ हो गई थी, जैसे जले हुए छाले हो जाते हैं वैसे हो गए थे मेरे। और उसके बाद अभी वर्तमान में मेरे पूरे शरीर में से चमड़ी निकल रही थी। अच्छा, हुआ क्या है, रोग मैं बता रही थी कि डॉक्टर ने क्या बताया है, और मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया है कि आपके शरीर में जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी यानी कि जो लचीलापन होता है, वो करीब करीब ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया, तो इसलिए आपकी त्वचा वापस अपने नॉर्मल रूप में नहीं आ पाती है, उसमें खिंचाव महसूस होता है। और मुझे जो जहाँ मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अहमदाबाद रुक्मणी आयुर्वेदिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ खोखरा में है ये अस्पताल, मैंने इस पर पहले वीडियो दिया है, वहाँ के डॉक्टर जो अमित शाह हैं उन्होंने कहा है कि भाई आपको गर्मी इतनी बढ़ी हुई है कि आपके जो स्किन की जो लेयर हैं उसके अलावा आपकी धातु में गर्मी जा रही है, तो बोले इसको नियंत्रण करना होगा, वरना बोले आपका रोग बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने मेरे पहले सारे रिपोर्ट्स निकलवाए थे, ब्लड रिपोर्ट, बाकी लीवर फंक्शन और ये जो भी पेट में सिस्टम होते हैं सब मेरे नॉर्मल हैं, कि मैं अपने पॉइंट्स वगैरह भी चेक करती रहती हूँ कि बैंक कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। बस हाँ, जहाँ एबनॉर्मल आया है वो एक ही है कि जब स्किन देखो, मतलब शरीर को देखो, तो पता चलता है कि किस तरह से खुजली होती है, जलन होती है, चुभन होती है। मित्रों, होता क्या है ना कि ये जो गर्मी बढ़ी है मेरी, इतनी गर्मी बढ़ी है कि जैसे लोगों के सर में से डैंड्रफ झड़ता है ना, वैसे मेरी चमड़ी में से डैंड्रफ झड़ रहा था। मतलब मैं कहीं भी ऐसे करूं ऐसे तो वहाँ से मेरी चमड़ी झड़ती थी, मेरी स्थिति ये बन गई थी, मतलब इतना मेरे शरीर में सूखापन हो गया था। और जबकि मैं रोज़ घी अच्छे से खा रही थी, उसके बाद भी मेरे शरीर में सूखापन आया है। और ये सूखापन मेरी, जैसा कि मैंने बताया, अधिक गर्मी की वजह से है। ये गर्मी के कारण बहुत सारे रहे हैं, तो जिसमें एक बड़ा कारण है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ब्रेन ट्यूमर से लौटी हुई हूँ, वो भी एक कारण इसमें रहा है, क्योंकि उसकी गर्मी मैंने कोई गोली आदि नहीं ली है, तो जो भी निकला है वो मेरे शरीर में से ही निकला। और कई बार आप जैसा कि जानते हैं गुस्से से गर्मी बहुत अधिक बढ़ती है, और जो मेरे साथ स्थितियाँ बनी थी, जानकारी नहीं थी, गुस्सा हमने भी बहुत किया है, और गुस्से के कारण जो शरीर में एकदम जो उबाल आता है, जो उसमें जो स्थितियाँ बनती हैं वो बहुत ही भीषण और घातक हो जाती हैं। उसके बाद एक गलती मैंने और बड़ी की है, अक्सर मैंने स्वामी जी को, मैं हरिद्वार जब थी मैंने स्वामी जी को ये कहते सुना था, हम देखते भी थे करते भी थे कि 100, जब यदि आपको ध्यान करना है, साधना करनी है, तो आप 180, 160, 180, 200 की गति से एक मिनट में इतनी कपालभाति के स्ट्रोक कर सकते हैं। तो तब उनकी सारी बातें मुझे वहाँ स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम अभी साधना कर सकें। हाँ, अभी रोगी की स्थिति में है तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने
करीब दो साल कपालभाति जो किया है करीब 160 और 180 की गति से किया है, एक मिनट में 160 180 की गति से किया है, और ये कपालभाति मैंने करीब 2-2.5 साल किया है, और रोज़ मैं करीब आधा घंटा ही कपालभाति करती हूँ। हाँ, उसमें कभी कभी मैं थोड़ा गुस्से में भी हो जाती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें आसपास ऐसी होती थी जिसमें कई बार गुस्सा आ जाता था। तो मित्रों, गुस्से का परिणाम हमेशा नकारात्मक आता है, और तभी जानकारी मुझे नहीं थी, और ये करीब आपको बताऊँ तो करीब 5 साल पुरानी बात है। तो उस समय मेरे जो दिमाग में जो टेंशन चल रहा था उसकी वजह से कई बार ऐसा तमतमा आ जाता था, जो भी कहो उसमें के परिणाम ये आए हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मित्रों, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं आसमान से नहीं टपकी हूँ। जब आसमान से नहीं टपकी तो स्वाभाविक है मनुष्य की जैसी गलतियाँ मैं भी करूँगी, और मैंने की हैं वो गलतियाँ, और वो सारी गलतियाँ मैं आपके सामने इसलिए स्वीकार कर रही हूँ ताकि मेहरबानी करके आप वो गलतियाँ ना करें। और हाँ, कहते हैं ना, जब हम गलतियाँ मान लेते हैं तो गलतियों में सुधार आरंभ हो जाता है। वैसे मैंने अपनी गलती को सुधार आरंभ बहुत पहले कर दिया था, लेकिन होता क्या है ना कि सुधरते सुधरते समय लग जाता है, और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं करीब पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार 2 घंटे भी नहीं सो पाती हूँ। कभी 1 घंटा सो गई, कभी 1.25 घंटा सो गई, नहीं तो मैं 1 घंटा, आजकल तो 1 घंटा भी नहीं सो पा रही थी, और सीधा लेट नहीं पाती हूँ, क्योंकि लेटने से मेरी पीठ में जो जलन होने लग जाती है तो मैं सो लेट नहीं पाती हूँ। बिस्तर में तो मैं लेट ही नहीं पाती हूँ, और हाँ, सनमाइका ऐसे प्लाई वगैरह है उस पर लेट जाती हूँ तो थोड़ी देर लेटती हूँ, तो जैसे सीधा लेटी हूँ तो गर्म होता है तो तुरंत उसमें जलन होने लग जाती है। कंधे के बल करवट से लेटती हूँ तो यहाँ जलन होती है, कपड़े में लगा के लेटती हूँ फिर भी जलन होती है, चुभन होती है, तो मुझे उठना पड़ जाता है, अर्थात ना आँख खुल जाती है। और गले में मेरी ऐसी स्थिति बनती है, गले पर मुझे कपड़ा रखना ही पड़ता है, नहीं तो गले में मेरे कुछ ना कुछ काटता है, तो हमेशा मुझे गले में कपड़ा रखना पड़ता है। रात को तो मैं कई बार कैसे सोती हूँ, ये जो कपड़ा होता है ना इसको यूँ लगाऊंगी और फिर यूँ करके फिर मैं सो पाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करूँगी तो गले में से हट जाता है तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो मेरी स्थिति ऐसी है, मैं अभी अपने कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, मैं मुझे कुछ भी कपड़ा मैं पहन रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों के कपड़े मैंने पहन रखे, टी शर्ट पहन रखी है, बच्चों की पहन रखी है, और मैं ऐसी अजीब सी स्थिति में कई बार होती हूँ कि मुझे कोई समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पर हाँ, इसलिए मेरे वीडियोस भी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि कई बार जब अपने कपड़े आप नहीं पहन पाते तो मन बड़ा खिन्न सा हो जाता है, मन बड़ा बेचैन हो जाता है कि हाँ, नींद पूरी नहीं होती, नींद तो बहुत आती है पर सो नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि सोने में समस्या है, नींद आने में समस्या नहीं है। मुझे वहाँ दीपम भाई ने अस्पताल में नींद की गोलियाँ दे दी, तो मैंने कहा, बाद में मैंने बोला साहब मुझे सोने में कोई, नींद में आने में कोई समस्या नहीं है, मैं सो नहीं पाती क्योंकि मुझे खुजली हो जाती है, मैं जहाँ बैठती हूँ, मैं जहाँ लेटती हूँ वहाँ मुझे खुजली हो जाती है, वो अंग मेरा गर्म हो जाता है, खुजलाने लगता है। और मैं आजकल जो सो पा रही थी, मैं कैसे सो पा रही थी अस्पताल में, जो मैं सोई हूँ, मैं नॉर्मली जो सोई हूँ कैसे सो पा रही थी, जैसे एक कपड़ा है इसको मैंने अंदर से यहाँ से जैसे आपको बताया कि पूरा लपेट रखा है, और मैं ऐसे हाथ करके ऐसे करके तब मैं ये हाथ के ऊपर हाथ रखा और ऐसे मैं सो जाती थी, पालथी मार के बैठती थी और ऐसे में सो जाती थी। मैं अभी ऐसे सो पा रही हूँ और ऐसे मुझे नींद आ पा रही थी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास सोने का कोई तरीका ही नहीं था, और ऐसे में करीब 1 घंटा 1.25 घंटा 1 घंटा ऐसे दिन में 2-3 बार सो जाती हूँ, और इस तरह मेरी नींद पूरी होती है, मैं लेट नहीं पा रही, बस ये मेरी समस्या आ रही है, और लेट जाऊँ तो थोड़ी देर में उठना पड़ जाता है, जैसे कि मैंने कहा गर्म हो जाता है। अब ये जो इतनी गर्मी है मेरे शरीर में, और ये गर्मी इतनी है कि कभी कभी मेरे पास कोई आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि दी आपके शरीर में कितनी गर्मी है, और मैं कई बार खुद महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर से आग 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 जैसे निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो भट्टी मेरे अंदर जल रही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पित्त बढ़ने से हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जो गलतियाँ की हैं, और हाँ, एक गलती मैंने बहुत बड़ी की थी, मैंने बहुत आइसक्रीम खाई है, पर आइसक्रीम मैंने करीब 8-1 साल हो गए, हमारे घर में आइसक्रीम का पैकेट ख़त्म नहीं होता था, अमूल का 2 लीटर का पैक मेरे घर में आके रख जाता था, हम 3 जन थे खाने वाले, और शायद सबसे ज़्यादा तो मैं ही खाती थी, तो आइसक्रीम ख़त्म नहीं होती थी, पर हाँ, तब जानकारी नहीं थी। और उसी समय का ये समय था, करीब अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक का गया था, और उसी समय मेरे यहाँ अचार भी बहुत आता था, अचार मतलब वो मिर्च का, लाल वाली मिर्च का जो भरा हुआ अचार होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, हमारे घर में आता था, हमें वो भी खाया है। तो जो विपरीत खाना, जो तीखा खाना, जो इस तरह ठंडा खाना, ये सब बहुत सारी समस्याएं खड़ी करता है मित्रों, हम कई बार तुरंत नहीं समझ पाते हैं और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और शुरुआत जो मेरी हुई थी, मैंने बताया था कि मेरी उंगलियां जो है खुरदुरी हो गई हैं, ये देखिए ये उंगली कैसी है, ये यहाँ से पूरा, और ये होता क्या है ना, मैं नाखून देखो कितने छोटे कर रखे, मैं नाखून एकदम काट रखे हैं ताकि मैं खुजलाऊँ तो मुझे लगे नहीं, लेकिन अब होता क्या है, ये जो उंगलियां हैं ना, जो खुरदरी हैं, उससे मैं खुजला देती हूँ, मैं अपनी चोटी नहीं बना पाती, इसलिए मैंने बाल काट दिए हैं, मुझे बाल खुले रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं चोटी बना नहीं पाती, मुझे इसलिए बाल काटने पड़ गए, और बच्चों ने फिर ये भी कर दिया। तो इस चक्कर में आप बोलोगे मैं फैशन में आ गई हूँ, हाँ भाई क्या करूँ, फैशन मुझे करनी पड़ रही है, मेरी व्यवस्था हो गई है,
चोटी नहीं बना पा रही, तो बाल कम से कम ऐसे हाथों में बाल लगते तो मुझे चुभता है, उंगलियों से मैं बाल पकड़ नहीं पा रही, तो मैं बाल पकड़ नहीं पाऊंगी तो चोटी कैसे बनूँ, क्योंकि बालों में कई बार उंगलियों में बाल उलझ जाते हैं मेरे। अभी तो चमड़ी फिर भी थोड़ी ठीक है, वरना इनमें बाल मेरे उलझ जाते हैं तो बाल खिंच जाते हैं। अब हमेशा तो कोई चोटी बना के दे नहीं सकता मुझे, क्योंकि मेरे घर में कोई और है नहीं चोटी बनाने वाला। यहाँ तो मैं अभी भाभी के यहाँ हूँ, अहमदाबाद में हूँ मैं, ये अहमदाबाद भैया का घर है, तो यहाँ तो भाभी है बना के देने के लिए, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं होता है तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो पता चला आगे मैंने और बाल कटवा दिए, क्योंकि बाल मेरे झड़ बहुत रहे हैं और मुझे पूंछ अच्छी नहीं लगती, पूंछ होती तो मैं काट देती हूँ और मैं खुद ही काट देती हूँ, ये बाल भी मैंने खुद ही काटे हैं, किस कटवाए नहीं, क्योंकि मुझे पार्लर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो बात इतनी है। तो ये क्या है कि भाई मेरे साथ जो हुआ है मैंने आपको बताया है, और एक बात ध्यान रखिए कि हम जो गलतियाँ करते हैं, हम चाहे कितने भी ज्ञानी हों, हमने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे लोग कहते हैं ना हार्ट सर्जन को भी हार्ट अटैक आता है, वैसे ही हम मनुष्य हैं, मनुष्य हम गलतियां करते ही हैं, और हमें कई बार पता होता है फिर भी हम गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं। 8-9 साल पहले मुझे नहीं पता था कि आइसक्रीम इतनी नुकसान करेगी, 4 साल पहले नहीं पता था कि कपालभाति की गति इतना नुकसान करेगी, तो मैंने वो गलतियाँ की हैं। हाँ, खड़े होकर कपालभाति के बारे में मैंने पहले बताया था, पर वो तो ठीक है हो गया, पर अभी ये जो गलतियाँ हैं मुझे बहुत भारी पड़ी हैं। और उसके अलावा जो भी हुआ, जो टेंशन लेना, जो तनाव लेना, जो ब्रेन ट्यूमर से लौटी हूँ, वो सब बहुत ही बड़ा हो गया, उसने ये रूप ले लिया। अब जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में मैं आगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मेरा पंचकर्म चिकित्सा चल रही है, चिकित्सा क्या हुई है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो फिर मुझे आप लोगों को देखने में भी बोर होता है और मुझे भी जरा अपलोड करने में समस्या हो जाती है। तो आपको कोई और प्रश्न हो तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही यदि आपका कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है तो कृपया वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य रक्षा का लिंक दिया है, उस चैनल पर प्रश्न करिए ताकि आपको जवाब जल्दी मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर मैं जल्दी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं कभी आँखें से मुझे ठीक से दिखता नहीं, धुंधला हो जाता है, गर्मी इतनी है कि आँखों के सामने कभी पर्दा छा जाता है तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ, तो इसलिए इसको छोड़ देती हूँ, इस चैनल को छोड़ देती हूँ, बाकी मैं सबके, क्योंकि व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, सब जगह मुझे जवाब देने होते हैं और मुझे ही देने होते हैं, क्योंकि मेरे जगह कोई और देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसे जवाब मैं ही देती हूँ। तो कृपया आप थोड़ी स्वास्थ्य रक्षा पे प्रश्न करेंगे स्वास्थ्य संबंधी, तो आपको उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा, 2 से 2 दिन में तो मैं दे ही दूँगी, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उत्तर दूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।